हेलो एवरीवन, दिस इज शागर शर्मा। नो, हम शॉर्ट कट करेंगे क्योंकि आगे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हम आज आए हैं कहाँ पे आए बता। सही बता मानसा झील में आए हैं फिलहाल। अभी तो मुझसे पूछ रहे हम कहाँ पे आए हैं। झील में आए मानसा झील में। हाँ हम झील में आए हैं। उम्मीद करते हैं तो सारे बिल्कुल ठीक होवोगे। सो अज मैं मम्मा भैया ते थोड़े शेफ साहब असी पठानकोट जा रहे सी ते हजे ही हुने थोड़ी देर पहले साडा प्लान बनिया कि क्यों ना असी मानसर भी हो आईए जाते जाते। सो मैं सोचा कि क्यों ना असी नवा ब्लॉग भी बना लिए। सो अज दा ब्लॉग है मानसर लेक। तुसी इस ब्लॉग नाल बने रहियो, आई एम श्योर कि तुहानू बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो ये देखो गाइस, मानसर की खूबसूरती के बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन इसके रास्ते की भी अपनी खूबसूरती है। एकदम पहाड़ी रास्ता है। सो काफ़ी इंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा मतलब रास्ता है, एकदम पहाड़, बिल्कुल सही साफ सुथरा प्रकृति आप देख सकते हैं रास्ते में। व्लॉग के साथ बने रहिए, आई एम श्योर आपको आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे व्लॉग। तो गाइस एंड तक व्लॉग के साथ बने रहिए। सो गाइस ये हम कर रहे हैं एंटर और अभी हम आपको अंदर का व्यू भी दिखाएंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस ये देखिए, स्टार्टिंग में ही एंट्रेंस में ही साइड में कितने सारे झूले लगाए हुए हैं। सो काफ़ी सारे बच्चों के लिए तो काफ़ी इंजॉयबल जगह है ये। ये देखिए काफ़ी सारे झूले यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए गाइस, भैया फिर शुरू हो गए हैं। भैया से वेट नहीं हो रहा है ना? ऐसा हो नहीं सकता कि हम ऐसी कोई जगह पे आए घूमने के लिए और कुछ खाए ना। ये तो अभी स्टार्टिंग है। हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग है, मतलब घूमना इम्पॉसिबल माना जाता है अगर कुछ खाए ना। बातें इस ठंड ऊपर से रो। ये देखिए आगे रखेगी बनाओ। अच्छा हम तो कैमरे च लिया भी तो मुश्किल है इन्हें लंबे होते। हेलो एवरीवन, दिस इज शागर शर्मा। नो, हम शॉर्ट कट करेंगे क्योंकि आगे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हम आज आए हैं कहाँ पे आए बता। सही बता मानसा झील में आए हैं फिलहाल। अभी तो मुझसे पूछ रहे हम कहाँ पे आए हैं। झील में आए मानसा झील में। हाँ हम झील में आए हैं। आगे चुप हो गए। चल बोलो बोलो। एज काफी लगा हुआ है, मैंने डिस्टर्ब नहीं हो सकता। आय हाय हाय गुड़िया किलो।
मेरी उम्र गई। गाइस अभी हम मछलियों को जो आटा डालना है वो ले रहे हैं। तो ये आटा हम अब मछलियों को डालेंगे। काफ़ी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे, सारे थे बने देखिए। हमें गाइस मम्मी बचपन की बात बता रहे हैं कि छोटे थे हम आते थे सारे यहाँ बैठते थे। तो कितने साल पहले आते थे कम से कम? कम से कम 28 साल पहले की बात ये हमें बता रहे हैं कि हम यहाँ आते थे पिकनिक में, स्कूल की पिकनिक के साथ, स्कूल कॉलेज वगैरह के। 28 साल पहले की बात हम ये बता रहे हैं कि वहाँ ये बैठते थे तो सारे खाते थे, चीज़ें खोलते थे। तो ये देखिए रश, तो गाइस आप देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है। हमेशा ये जगह बिजी रहती है, लोग घर से खाना वाना बना के यहाँ पिकनिक वगैरह के लिए भी आते हैं, अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सारा टाइम भी स्पेंड करते हैं। टीशर्ट देखे सिखाई। यहाँ पे एक मंदिर भी है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, शेषनाग जी का मंदिर है ये। तो आप भी दर्शन करिए मंदिर के। ये देखिए शेषनाग मंदिर मानसर झील, मानस हाँ जी, आपको कैसा लगा भैया? इधर हेलो, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम शब्दों में इसका विवरण नहीं कर सकते। विवरण क्या हो गया? पसंद सारे घुमाए गाइस। ये देखिए व्यू यहाँ का, यहाँ से बिल्कुल सही व्यू आपको नज़र आएगा। और एक तो पंछियों की आवाज़ और हवा इतनी अच्छी आ रही है ना, तो गाइस बड़ा प्यारा व्यू है ये। इस पकौड़ों का सही आनंद हम ठंड में ही उठा सकते हैं। तो पहले मना की थी, फिर क्यों खाए? चाय का गिलास और पकौड़े, आंसर दो करने वाले हैं चाय पकौड़े का ऑर्डर। टेस्ट एक्चुअली मैं टेस्ट कर रहा है कि टेस्ट नहीं है, फिर मैं तुम्हें पहले इतना कर दूं, इस टाइम पर पहले फोन कर दूं कि नहीं खा दे जा घर से जाकर। ये कैसे लगे शेफ साहब आपको? टेस्टी है। देखो इनके पास तक एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं है, बहुत अच्छा। ठंड में वैसे भी वही टेस्ट करना है, खत्म नहीं करने हैं।
ना कर दे प्लेट खाली कर दी सारी ले। नहीं लेना चाय आ रही है हमारी आप लोगे ये छड़ दे की ने ये छड़ दे की ग्लास ले आओ ग्लास में करके मम्मी कहाँ है आज फास्ट तो वो तो कुछ खाएंगे नहीं ना पकोड़े खाए उन्होंने सो अभी ये इसलिए फ्रूट चाट ले रहे हैं यम्मी फ्रेंड्स अब हम कर रहे हैं वापसी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा गाइस ठंड भी बढ़ती जा रही है इसलिए हमारा निकलना ही ठीक होगा ये भैया कुछ कर रहे हैं तो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं ये दिखाओ दिखाओ इधर दिखाओ सागर स्माइली आप कैमरे की निगरानी में हैं भैया भैया वे मेरी एक आवाज पीछे देखा करो मैंने रिस्पांस दिया करो इज्जत करो मेरी वो जा रहे हैं लगा आपको घूम के सो गाइस बहुत अच्छी था अभी ठंड बहुत है नहीं तो हमें काफी सारा घूमना था यहाँ पे सो ठंड की वजह से टाइमिंग बहुत हो चुका है थोड़ी लेट हो रही है तो इसलिए अब हम जा रहे हैं सो गाइस उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छा लगेगा कोशिश करेंगे हम कि जितना अच्छा हम इसे बना सकें और जो चीज़ें मिस हुई हैं वो भी हम दोबारा से आएंगे कभी आपको वो भी हम चीज़ें दिखाएंगे सो गाइस यहाँ पर ऑलरेडी सैटरडे संडे का तो रियलिटी में कोई इतना रश होता है कि आपको पाँव रखने की जगह नहीं है लेकिन इस टाइम पर आप देखिए कितनी टूरिस्ट बसेज आ रखी हैं और प्राइवेट बसेज अभी तक निकल चुकी हैं क्योंकि टाइम इस टाइम काफ़ी सारा हो गया और ठंड बहुत है रास्ता भी जैसे हमने आपको दिखाया आते टाइम की पहाड़ी रास्ता है तो इसलिए कोशिश करते हैं कि जल्दी हम निकलें सो गाइस थैंक यू बाय जल्दी मिलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ सही मम्मा बाय कर दो बाय बाय